वहीदा रहमान हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा चेहरों में से एक हैं जिन्होंने समय के साथ बदलते हुए खुद को अभी भी जीवंत और प्रासंगिक रखा है। शुरुआत में उनकी रुचि फिल्मों में नहीं बल्कि डांसिंग में थी। उनके कई गाने बेहद मशहूर भी हुए, जैसे वहीदा गुरुदत्त को अपना गुरु मानती हैं और जब वो देवानंद के साथ शूटिंग कर रही थी तो उन्हें मिस्टर आनंद कहकर बुलाती थी। देवानंद ने उनसे गुजारिश की कि वो उन्हें सिर्फ देव कहकर बुलाएं, जिसके लिए वहीदा को काफी मेहनत करनी पड़ी। फिल्म प्यासा में जब उन्हें एक वेश्या का रोल दिया गया तो उन्होंने गुरुदत्त से आपत्ति जताई थी। जब गुरुदत्त ने उन्हें आश्वासन दिया तब जाकर उन्होंने ये फिल्म की और इस फिल्म ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़ दिए। फिल्म साहिब बीबी गुलाम में वहीदा गुरुदत्त की पत्नी यानी छोटी बहू का किरदार निभाना चाहती थी, उनकी प्रेमिका का नहीं। लेकिन छोटी बहू का किरदार मीना कुमारी निभा रही थी और डायरेक्टर ने वहीदा को समझाया कि उनका किरदार भी हिट हो सकता है। उनको फिल्म गाइड करने से भी कई लोगों ने रोका था और कहा था कि ग्रे शेड वाले किरदार निभाने से उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी। लेकिन उनका रोल हिट हुआ, उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और उनका गाना आज फिर जीने की तमन्ना है सुपर डुपर हिट हुआ। फिल्म रेशमा और शेरा में उन्होंने अमिताभ बच्चन की भाभी का किरदार निभाया था, त्रिशूल में उनकी माँ का, कभी कभी फिल्म में उनकी पत्नी का और दिल्ली 6 में फिर से उनकी पत्नी का किरदार निभाया था। उन्हें सिवैयां बनाना बेहद पसंद है और फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। इसके लिए वो अफ्रीका के नेशनल पार्क्स भी जाना चाहती हैं। वहीदा की हाल की फिल्म दिल्ली 6 थी, जिसके बाद से उन्होंने कोई महत्वपूर्ण किरदार नहीं निभाया है। उनको वापस पर्दे पर सभी जल्द से जल्द देखना चाहते हैं।